गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार का, तारीख है 24 सितंबर, और ये जो टाइम हो रहा है ना, सुबह के करीब बज गए हैं 7:30। तो आज मैं मतलब उठी थी 7:30 बजे ही, अभी उठी हूँ। जस्ट 5 मिनट हुए होंगे मुझे, 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे बस वॉशरूम से आकर। बस यहाँ पर जो है ना, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो आज जो है ना, मतलब आंखें लेट खुली थी, कुछ खुली आंखें लेट थी और कुछ मैं उठी भी जान के ही लेट थी, क्योंकि यूजुअली तो रोज़ डेली जल्दी ही उठना पड़ रहा है, और बच्चे के पेपर थे तो इसी वजह से ना बहुत जल्दी जल्दी उठना, मतलब भाग दौड़ सी हो गई थी। ऊपर से हेल्थ इशू जो है ना बढ़ गया था, तो इसी वजह से ना थोड़ी सी हेल्थ इशू की वजह से आज मैं थोड़ा लेट जगी थी। तो बस आज जो है ना, बस उर्वी के पापा को ही जाना है ड्यूटी, तो मुझे सिर्फ उनके लिए ही लंच, तो बस इसीलिए ना अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो है ना, ये बैंगन जो रखे हुए थे दो मेरे पास, तो मतलब लेकर आए थे मंडे को ना, तो उसमें से सब्जी भी बन गई थी एक बार, तो आलू बैंगन की सब्जी भी बन गई थी। तो अभी ये बचे हुए थे तो ना, मैंने इनको भूनने के लिए रख दिया है। तो भूनने के लिए इसलिए रखा है क्योंकि मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो मतलब बैंगन का भरता बहुत दिनों से इच्छा थी कि मतलब मुझे खाना है, लेकिन नहीं बना पाई थी। तो आज मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो मैंने जो है ना ये बैंगन भूनने के लिए रख दिए। तो इधर जो है ना, मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ, मतलब ये चॉपर है मेरे पास, तो इसमें जो है ना, जैसे मैं हमेशा ही भरते में जो है ना चॉप करके प्याज डालती हूँ, जो मतलब छोटे छोटे पीसीज में, तो वो अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको चॉप अच्छे से करके ना प्लेट में रख दिया है। अभी 2 ही मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर भी लिए हैं। हरी मिर्ची मुझे लगा था कि मैं इसमें चॉप कर दूं, फिर मुझे आइडिया आया कि नहीं, मैं अलग से रखूंगी इसको, अलग से कट करूंगी, तो बस उनको मेरे को अलग कट करना है। तो अभी के लिए 2 टमाटर भी मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ। तो जी बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी से मतलब मैश हो जाते हैं, तो इसलिए ना बस चॉप करना है उनको। बस 2-3 बार मैंने इनको घुमा के और इसमें वापस से डाल दिया। अब यहाँ पर 2-3 जवे लहसुन के भी लिए हुए हैं मैंने, तो मुझे लहसुन चाहिए, और मुझे लहसुन जो है ना कट करके डालना है, पीसना नहीं है बिल्कुल भी। तो जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं ना लहसुन के, वो मुझे कट करने हैं। तो बस यहाँ पर 5 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, और 2-3 हरी मिर्ची ली हैं। सारी चीज़ों को चॉप करने के बाद मैंने एक प्लेट में सजा दिया है, तब तक जो है ना ये बैंगन भी भुन गए थे। तो चलिए अभी बना लेते हैं बैंगन का भरता। तो यहाँ पर जो है ना बैंगन भुन गया था, ये देखिए बहुत अच्छे से भुनने वाला ही था, बस थोड़ी देर और थी इसमें। तो बिल्कुल काला करना है मुझे। इधर ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, चारों चीज़ें मैंने चॉप करके ना अच्छे से रख दी हैं प्लेट्स में। तो जी चलिए, अभी मैंने ना इसमें पानी ले लिया है एक बाउल में, और इधर बैंगन भी जो है ना अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने इनको पानी में डाल दिया है, ये देखिए। अब जैसे ही पानी में डालते हैं ना, इन पे अच्छे से छिलके से जो है ना सारे उतर जाते हैं, उसके बाद ये ऐसे कुछ हो जाते हैं। तो मतलब कुछ छिलके उतर जाते हैं, कुछ हमें खुद उतारने पड़ते हैं। अभी यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में डालूंगी मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, टमाटर, ये जो चटनी या फिर भरते जैसी चीज़ें होती हैं ना, इनमें सब्जी से भी ज़्यादा ऑयल लगता है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही तेल चाहिए होता है अगर इनका कलर ठीक ठाक करना है। तो जी तेल जो है ना थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें हल्का सा जीरा चटका दिया है, जीरा डाल दिया है। फिर उसके बाद इसमें डालूंगी प्याज। तो जी ये मैंने छोटी गैस पे रखा हुआ था, तो इसलिए तेल गर्म होने में ना टाइम ले रहा था बहुत ज़्यादा। तो अभी के लिए ना इसमें हो गया है तेल, तो इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी, लहसुन ऐड कर दूँगी। मतलब पहले लहसुन डाला फिर प्याज डाली, लहसुन पहले इसलिए डाला, इसका भी एक अलग ही पॉइंट है। मतलब क्या कि अगर लहसुन हम पहले डालते हैं ना, तो इसकी खुशबू अलग से हो जाती है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया। अब इस प्याज को मैं थोड़ी देर के लिए गलाऊंगी, इसमें अच्छे से चॉप करूंगी। चॉप तो मैंने की हुई है, लेकिन अच्छे से इसका एक मतलब फाइन सा कलर हो जाए, डार्क ब्राउन ना हो, बिल्कुल लाइट ब्राउन हो, तब उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करने वाली। तो जी हो गए हैं, तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्ची दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया है, और अब इनको भी अच्छे से भूनने के बाद ना मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो सूखे मसालों में जाएंगे मतलब नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, चारों मसाले जाएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा गरम मसाला भी जाएगा। उधर हस्बैंड ने चाय बना ली थी, तो बस चाय भी सब रेडी हो गई है। तो मतलब कभी जब ऐसे लेट वगैरह हो जाती हूँ ना, तो मतलब बहुत हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हम मिल बांट के जो है ना काम कर लेते हैं। तो उधर उन्होंने इतने चाय बनाई ना, तब तक जो है ना मैंने भरता जो है ना अच्छे से छोंक दिया था। तो जी सारे मसाले इसमें डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए ढक दिया। अभी देखिए मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अभी मैं इसमें ये दोनों भरते ऐड करने वाली हूँ, मतलब बैंगन। अभी भरता नहीं बना है इसका, अभी फ़िलहाल ये बैंगन ही है। तो बस इनको अच्छे से ना इसमें मैश कर दूँगी मैं थोड़ा सा, और आपको है ना ये पोनी की हेल्प से ना करना पड़ेगा इसको मैश, नहीं तो ये होगा नहीं, और मतलब इतनी अच्छे से गलता नहीं है ना भूनने के बाद। तो अभी इसको
गलाने के लिए ना कुछ देर तक हम इसको ढक के रखेंगे। तो तब तक इसको अच्छे से ना ऐसे मैश कर दिया है, और मैश करने के बाद ये देखो बहुत अच्छे से हो गया है। तो अभी इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और भरता मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, मतलब मेरा नहीं बैगन का। तो जी यहाँ पर अब इसमें फाइनल टच के लिए मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। तो जी धनिया ऐड कर दिया है, अब इसको एक बार फिर से मिक्सअप कर देंगे। और यहाँ देखिए बैगन का भरता बिल्कुल रेडी है, और अभी मैं इसको हटा देती हूँ। और अभी यहाँ पर ना फटाफट से रोटियाँ बनानी है मुझे, तो रोटियाँ सिर्फ उर्वी के पापा के लिए बनेगी। और भरता बनाने के बाद ना आटा गूंद दिया था, उसके बाद चाय पी ली पहले मैंने, मतलब चाय जो है ना बन गई थी, फिर ठंडी हो जाती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये बोल रहे थे कि अभी मुझे इतना टाइम है जाने में, तो आप चाय पी लो पहले। तो बस हमने सबने मिल के नाश्ता कर लिया है, और यही एक टाइम होता है 5 से 10 मिनट जो मिलते हैं ना, हम बातें बातें कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, तो बस यही एक टाइम होता है, क्योंकि रात का टाइम इतना बिजी होता है। ये भी लेट आते हैं, 9 से 10 बज जाते हैं, और मेरा एडिटिंग वगैरह का काम भी होता है, तो मुझे 11 बज जाते हैं एडिटिंग वगैरह करने में भी। तो जब तक धैर्य नहीं सोता तब तक एडिटिंग भी नहीं होती। तो धैर्य सोता है करीब 10 से 10:30 के बाद ही सोता है, और जब तक ये नहीं सोएगा ना, क्योंकि बहुत शोर होता है, फिर इस वजह से ना एडिटिंग वगैरह में दिक्कत होती है। तो बस रात का टाइम मेरा ऐसा बिजी निकलता है। तो बस यहाँ पर जी है ना खाना वाना तो बन गया है, लंच वगैरह सब पैक हो गए हैं। तो अभी जो है ना मशीन लगाई हुई थी आज, तो मतलब कल ड्रेसेस वगैरह नहीं धुली थी, आपको तो पता ही है कि मैंने कल सुबह कपड़े धो लिए थे, कल नहीं एक्चुअली परसों ही धोए थे, कल नहीं धोए मैंने कपड़े। तो एक दिन के लिए ड्रॉप करना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इशू अगर ठीक करना है ना, तो एक दो काम जो है ना अवॉइड करने ही होते हैं। तो बस मैंने कपड़े ड्रॉप कर दिए थे, और आज जो है ना मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी। तो जब तक जो है ना ये सारे कपड़े घूम गए हैं ना, तो मैं इनको जो एक साथ ही सुखाने नीचे लेकर चली जाऊंगी, तो इसीलिए ना मैंने सारे कपड़े एक ही साथ घुमा लिए थे। अब जब कपड़े परसों धुले थे तो ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, बस थोड़े ही थे, तो बस यहाँ पर कपड़े खंगाल दिए हैं, इनको बाल्टी में इकट्ठा कर दिया है, अभी इनको जाना है मुझे सुखाने। तो जी अभी मैंने किचन जो है ना ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया था, किचन में मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, मतलब लंच वगैरह बनाने के बाद ना मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और मतलब हुआ क्या, मतलब अगर मैं कपड़े छोड़ देती ना, तो अभी तो ये है कि उर्वी के पापा हैं यहाँ पर, तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, और मतलब वो बाल्टी वगैरह रख कर आ जाएंगे। और अगर मैं मतलब नहीं, अगर मैं इसको बाद के लिए छोड़ देती ना इस काम को ना, तो फिर ये होता कि मतलब मेरे को ही ले जाने पड़ते, और उस वजह में मेरे को दिक्कत थोड़ी सी और हो जाती। तो जी बस यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े उठा के मैंने रख दिए हैं जीने के पास, और ये लेकर जाएंगे अभी। और तब तक जो है ना मैंने धैर्य के लिए गर्म थोड़ा सा पानी लगा दिया था, तो मतलब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना सा कर दिया, क्योंकि आजकल मौसम ठंडा है, तो इसको नहला दिया है। और इसको नहलाने के बाद ना इसका मूड एकदम ऑफ हो जाता है, वो इसीलिए इसको लगा कि मेरे फेस पे साबुन क्यों लगाया, उससे ना मेरे मतलब मुँह में साबुन लग गया है, तो बस इसीलिए ना इसको थोड़ा सा मूड काफ़ी देर तक ऑफ रहता है। तो तब तक मैंने इसको दूध वगैरह दे दिया है, ये अपना मूड ऑफ ठीक कर लेगा, मैंने इसको कार्टून लगा के दे दिया है। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो जी कपड़े वगैरह सारे सुखा लाई थी, और यहाँ पर जो है ना बस किचन समेट दिया है सारा, बर्तन वगैरह थोड़े से रह गए हैं, और पहले गैस साफ़ कर दी है, उसके बाद जो ये बर्नल वगैरह थे ना इसके, ये साफ़ कर देती हूँ गैस के, और किचन क्लीन हो जाएगा मेरा थोड़ी सी देर में। तो मतलब किचन का काम वैसे ज़्यादा नहीं होता है यूज़ुअली, तो पहले मैं किचन ही समेटती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम हाथ में लेती हूँ। लेकिन अब ये हुआ ना कि मतलब कपड़े धोने थे ज़रूरी, अब जो है ना मशीन नहीं घूम रही है, लेकिन मशीन में पानी बचा हुआ, अब जो मैं नहाऊँगी, काव्या तो नहा चुकी है, उर्वी नहाई है, और मतलब धैर्य वगैरह के जो भी मतलब बाद के नहाए हुए कपड़े हैं ना, वो एक दो जोड़ी कपड़े इसमें पड़ेंगे, तो वो मैं बाद में घुमा दूँगी, तब तक जो है ना मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो जी किचन तो समेट दिया है, अभी जो है ना पहले ये जाती हूँ कपड़े सुखाने। अच्छा सर पे हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि छत पे कोई ना कोई घूमता ही रहता है, तो बस यहाँ पर मैंने सर ढक लिया है, और फिर उसके बाद इन कपड़ों को लेके जाती हूँ सुखाने के लिए। तो जी फाइनली कपड़े वगैरह सब सुखा कर आ गई हूँ, और मौसम बहुत अच्छा है, करीब 1 घंटे के अंदर ही कपड़े जो है ना सूख जाएंगे, मतलब जब तक भारती अपने कपड़े धोएगी, वो भी धो रही है कपड़े आज, तो वो सुखाने जाएगी, तो वो उनको उतार कर ले आएगी, तो इसमें मेरी एक हेल्प हो जाती है कि वो कपड़े वगैरह लेकर आ जाती है ना मेरे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी अब पोछे की बारी आ गई है, तो फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। पहले वाइपर से जो है ना बेड के नीचे सारा पोछा लगा दिया है, और अभी जो है ना यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। पोछा वगैरह लगाने के बाद सीधा मैं नहाने जाऊँगी। तो जी नहाई नहीं थी आज सुबह, मैंने आपको बताया भी था, तो अब नहाऊँगी, और बच्चे जो है ना गए हैं नीचे खेलने, कुछ देर के लिए वो खेल कर आ जाएंगे तब तक। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं करीब 11:30, ये देखो 11:30 बज रहे हैं, और सारे कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, आधे कपड़े मैंने जो सुखा भी दिए ना वो सूख भी गए होंगे, क्योंकि मौसम अभी ठीक है, धूप धूप हो रही है अच्छे से।
और बाद में जो नहाए बच्चे मैं भी नहाई, वो सब कपड़े भी दोबारा से धो दिए, उनको यहीं पे डाल दिया सूखने के लिए, क्योंकि बाहर अब ना थोड़ी देर के बाद मौसम बेकार होने वाला है। सो अभी खा रही हूँ खाना। तो ये देखिए बैगन का बहुत ही स्वादिष्ट, मतलब आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरीके से ना, बहुत अच्छा बनता है। और आज तो वैसे पहले से भी ज़्यादा टेस्ट आया, जैसे यूजुअली मैं पहले बनाती हूँ ना उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है आज। तो बस अभी जो है ना खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत तेज़, तो एक रोटी खा लूँगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अभी जो है ना 11:30 तो बज ही गए हैं, वैसे भी खाने का टाइम हो गया। बच्चों के लिए मैंने बना के रख दी थी तो उन्होंने खा ली है। आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आपको, अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।